नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। अक्सर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की चर्चा करते हैं, आजकल तो ये बहुत आम बात है। साथ ही एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान की भी काफी बात होती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कौन है, इस शब्द का उपयोग भारत में सबसे पहले किसने किया और किसने न्यूक्लियर फिजिक्स को भारत में आगे बढ़ाया, इसका परचम लहराया, और भारतीय खगोल विद्या में भी खगोल वैज्ञानिक सबसे बड़ा कौन हुआ है, इसकी जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। तो जिस शख्सियत का इन विद्याओं में, खगोल विज्ञान, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत विशिष्ट योगदान रहा है, वही है हमारे आज के नायक, महान वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद साहा। नायक बताऊंगा आपको आज कि क्यों एक अंग्रेज गवर्नर का अपमान करने के आरोप में निकाल दिया गया था इस महान वैज्ञानिक को स्कूल से, क्यों चलानी पड़ती थी डॉक्टर मेघनाद साहा को बचपन में कलकत्ता में मीलों मील रोजाना साइकिल, और कैसे डॉक्टर साहा ने जमाया भारतीय विज्ञान का सिक्का यूरोपीय और अमरीकी वैज्ञानिकों के बीच में, और किस तरह से भारत को मिला उसका पहला न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। होंगे कई और रोमांचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से डॉक्टर मेघनाद साहा के जीवन से जुड़े हुए। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ, आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम महान वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद साहा की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मेघनाद साहा भारत के मशहूर महान खगोल वैज्ञानिक थे। भौतिकी यानी फिजिक्स में भी साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए वो जाने जाते हैं दुनिया भर में। ये समीकरण या ये इक्वेशन तारों की दुनिया में भौतिकी और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को ढाका से 45 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता का नाम था जगन्नाथ साहा और मां का नाम था भुवनेश्वरी देवी। आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी और 5 बच्चों का लालन पोषण पिता जगन्नाथ साहा के कंधों पर भारी पड़ता था। शुरुआती शिक्षा उनकी एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल में हुई। यहां बालक मेघनाद का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि सभी अध्यापकों ने परिजनों से सिफारिश की कि इस बच्चे की शिक्षा किसी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कराई जाए। गांव से 10 किलोमीटर दूर ऐसा एक मिडिल स्कूल था जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, जहां स्टैंडर्ड अच्छा था। यहां पे मेघनाद साहा का जब दाखिला कराया गया तो फिर एक समस्या उत्पन्न हुई। वहां पे रहेंगे कहां, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि पिता के पास तो इतने पैसे थे नहीं। लेकिन एक स्थानीय डॉक्टर अनंत कुमार दास ने उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया। बदले में उनको एक काम बताया गया कि बालक मेघनाद साहा रोज डॉक्टर अनंत दास के घर में जो गाय हैं उनको चारा खिलाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तो इन परिस्थितियों में आरंभ हुई डॉक्टर मेघनाद साहा की शिक्षा। आगे बताऊंगा कि क्यों मेघनाद साहा को एक अंग्रेज गवर्नर का अपमान करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, उनकी छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप भी बंद कर दी गई। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ, आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान फिजिसिस्ट और खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद साहा की। तो आखिर क्यों बालक मेघनाद साहा को एक बार स्कूल से निकाल दिया गया अंग्रेज गवर्नर का अपमान करने की वजह से, उनकी स्कॉलरशिप भी बंद कर दी गई। बात 1905 की है जब मेघनाद साहा का दाखिला ढाका के कॉलेजिएट स्कूल में करा दिया गया था। इसी दौरान हुआ ये कि बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर फुल्लर ढाका के उस कॉलेजिएट स्कूल के दौरे पर भी जा पहुंचे जहां मेघनाद साहा पढ़ रहे थे। अब उस स्कूल के छात्र खासा उग्र प्रदर्शन कर रहे थे गवर्नर सर फुल्लर की विजिट के खिलाफ। मेघनाद साहा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल तो नहीं थे,
लेकिन क्योंकि आर्थिक रूप से तंग परिवार से आते थे, गरीबी से ग्रस्त थे, इसलिए अन्य दिनों की तरह वो उस दिन भी नंगे पांव ही स्कूल आए हुए थे। अब स्कूल प्रबंधन ने सोचा कि ये नंगे पांव प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। सहा से तो किसी ने स्पष्टीकरण मांगा ही नहीं, बस उसी दिन स्कूल प्रशासन ने उन्हें जानबूझकर गवर्नर का अपमान करने के आरोप में न सिर्फ स्कूल से निकाल दिया बल्कि उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। ये तो नन्हे मेघनाद सहा की किस्मत अच्छी थी कि उनका दाखिला एक दूसरे स्कूल किशोरी लाल जुबली स्कूल में फौरन हो गया। यहां उन्हें फिर निशुल्क शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। 1909 में इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उन्होंने पास की और पूर्वी बंगाल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा उन्होंने 1911 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास की, जहां वो तीसरे स्थान पर रहे मेरिट लिस्ट में। कैसे हुई मुलाकात डॉक्टर मेघनाद साहा की सुभाष चंद्र बोस से और क्यों इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज में जाने का इरादा त्याग दिया डॉक्टर साहा ने, बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान खगोल वैज्ञानिक और देश में परमाणु ऊर्जा की नींव रखने वालों में से एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद साहा की। तो कैसे हुई मुलाकात डॉक्टर साहा की सुभाष चंद्र बोस से? हुआ ये कि 1911 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेघनाद साहा और सत्येंद्रनाथ बोस दोनों ने दाखिला लिया। यहां भौतिकी के, फिजिक्स के उनके प्रोफेसर महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही साहा की सबसे पहले मुलाकात हुई सुभाष चंद्र बोस से, जो साहा से एक साल जूनियर थे। साहा साहब ने कभी सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने अलग अलग तरीकों से सहयोग जरूर दिया। साहा ने 1913 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की और इस बार मेरिट लिस्ट में श्रेष्ठता सूची में उनका स्थान रहा दूसरा। पहले स्थान पर फिर वही बालक थे जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी साहा को पछाड़ा था, जी हाँ, सत्येंद्रनाथ बोस। अब इसके बाद दोनों ने साथ साथ एमएससी गणित में दाखिला ले लिया। इस समय का भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बार बार सत्येंद्रनाथ बोस से पिछड़ जाने की वजह से साहा के मन में कुछ टीस थी, तो जब एमएससी में दाखिला लेने का प्रोसेस जारी था उस समय चुपके से मेघनाथ साहा ने एमएससी गणित की जगह एमएससी अप्लाइड गणित की परीक्षा के लिए फॉर्म भरकर जमा करा दिया। अब ये बात मालूम पड़ गई सत्येंद्रनाथ बोस को। सत्येंद्रनाथ बोस ने भी एमएससी अप्लाइड गणित में एक बार फिर अपना फॉर्म जमा करा दिया, फिर एक ही कोर्स में, और नतीजा क्या आया आप सोच ही सकते हैं। एक बार फिर जब परीक्षा के नतीजे आए तो सत्येंद्रनाथ बोस अव्वल स्थान पर और दूसरे स्थान पर मेघनाद साहा। आगे बताऊंगा आपको कैसे डॉक्टर मेघनाद साहा ने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ऐसा कुछ कर दिखाया कि सब जगह उनके नाम का डंका बजने लगा। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान वैज्ञानिक और देश में परमाणु ऊर्जा खगोल विज्ञान की नींव रखने वालों में से एक डॉक्टर मेघनाद साहा की। तो ऐसा क्या कर दिया आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ हमारे डॉक्टर मेघनाद साहा ने कि सब जगह उनके नाम की धूम मच गई? ये उन दिनों की बात है जब मेघनाद साहा और सत्येंद्र बोस दोनों साइंस कॉलेज में पढ़ा रहे थे। बचपन के साथी और पढ़ाई में प्रतिद्वंदी साहा और बोस दोनों की नियुक्ति पहले गणित विभाग में हुई थी, लेकिन वहां गणित के प्रोफेसर गणेश प्रसाद के साथ दोनों की कुछ ज्यादा बनी नहीं, इसलिए दोनों ही भौतिकी विभाग में चले गए। यहां एक साल बाद ही चंद्रशेखर वेंकट रमन महान वैज्ञानिक की भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई।
अब उन दिनों परेशानी की एक बात यह थी कि जो ज्यादातर काम भौतिकी के क्षेत्र में हो रहा था, खासकर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में, वो जर्मन साइंटिस्ट कर रहे थे, इसलिए उसके बारे में ज्यादा लिखा पढ़ा भी जर्मन भाषा में होता था। अब जर्मन भाषा आती नहीं थी ने, इसलिए सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा दोनों ने जर्मन सीख ली। जर्मन सीखते ही उनको जो पहला काम दिया गया उनके प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा, वो ये था कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर एक पुस्तक की तरह उसे प्रकाशित करें, और उसकी वजह से स्थानीय वैज्ञानिकों को बहुत लाभ हुआ। ये हमारी उच्चतम वैज्ञानिक उपलब्धि है और इसका श्रेय मेघनाथ साहा और सत्येंद्रनाथ बोस को जाता है। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे खगोल विज्ञान की दुनिया में इस तरह के नए प्रयोग किए डॉक्टर मेघनाथ साहा ने कि दुनिया भर में, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में उनका सिक्का यूरोप से अमेरिका तक पूरी दुनिया में जम गया। कैसे हुआ ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। कौन सोच सकता था कि किसी जमाने में अपने बालपन में पूरे कलकत्ता को जैसे पार कर साइकिल चला चला कर ट्यूशन पढ़ाने जो बच्चा जाता था, जिसकी पढ़ाई पूरी हुई जब उसकी माँ के गहने बिके, वो बालक 1920 में कुछ ऐसे काम अंजाम दे जाएगा विज्ञान की दुनिया में कि सारी दुनिया उसका लोहा मानेगी। डॉक्टर साहा बाहर इसलिए जाना चाहते थे कि उस समय कलकत्ता में उस स्तर की, उस क्वालिटी की लैब्स नहीं थी जहां वो स्पेक्ट्रम की दुनिया के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में उस तरह का शोध कर सकें जो उनके मन में था, जो वो चाहते थे। पहुंच गए वो लंदन और इंपीरियल कॉलेज में, जब 1919 में पहली बार उनकी मुलाकात प्रोफेसर फाउलर से हुई, तो शुरू शुरू में तो डॉक्टर फाउलर, उनके प्रोफेसर, कोई खास प्रभावित नहीं हुए और बड़े अनमने मन से उन्होंने अनुमति दे दी मेघनाथ साहा को कि चलो भाई, तुम मेरी प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य कर सकते हो। अब संयोग की बात यह है कि थोड़े दिन बाद ही एक अंतरराष्ट्रीय बहुत ही सम्मानित फिलोसॉफिकल मैगजीन में डॉक्टर मेघनाथ साहा का वो शोध पत्र प्रकाशित हो गया जो उन्होंने भारत में रहते हुए लिखा था। इस शोध पत्र में उन्होंने स्पेक्ट्रम की दुनिया की व्याख्या की थी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स के सिद्धांतों पे कुछ नए सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। प्रोफेसर फाउलर ने जब उस शोध पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखें खुली रह गईं और फिर उन्होंने देखना शुरू किया अपने स्टूडेंट मेघनाथ साहा को नए सम्मान की दृष्टि से। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे भारत में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा की। एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में साहा समीकरण की उनकी खोज को दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी खोज माना जाता है। 1937 में जब वो विदेश गए तब उनका ध्यान गया एक नए सब्जेक्ट पर जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान आकृष्ट हो रहा था। यह सब्जेक्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स। बस डॉक्टर मेघनाथ साहा ने अब इस क्षेत्र पर नजर रखनी शुरू कर दी कि उनकी जानकारी जितनी समकालीन हो सके उतनी हमेशा रहे। सन 1939 में ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने जब न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की, जिसकी वजह से आगे चलकर एटम बम बना, तब उसके महत्व को डॉक्टर मेघनाथ साहा तत्काल ही ताड़ गए और उन्होंने भी तय कर लिया कि इस क्षेत्र में भारत में भी और काम की आवश्यकता है। उनके प्रयास धीरे धीरे रंग लाए और कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिकी के पाठ्यक्रम में न्यूक्लियर फिजिक्स को शामिल कर लिया गया।
और जब भारत आजाद हुआ उसके फौरन बाद ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की गई। फिर जब इस इंस्टीट्यूट के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जैसे साइक्लोट्रॉन, फिर डॉक्टर साहा ने कहा कि इस तरह के महंगे उपकरण इम्पोर्ट किए जाएं, उसकी बजाय कोशिश ही होनी चाहिए कि स्थानीय स्तर पर ही इनका निर्माण किया जा सके। तो ये थे हमारे आज के नायक डॉक्टर मेघनाथ साहा। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एवरीवन।